अस्सलाम वालेकुम, मेरे जनवरी 2019 को दो बाईपास हुए और एक वाल रिपेयर हुआ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर मेरी कमर में अक्सर औकात दर्द रहता है, शदीद दर्द, इस तकलीफ़ का कोई हल तजवीज़ करें। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों के कमर में दर्द है, दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो, लंबा सजदा करो कमर के दर्द के लिए। ये मेरी किताब है, इसमें मैंने बताया है सिर्फ सजदा करना 80 बीमारियों का इलाज है कमर का दर्द। मेरे मोहतरम भाइयों, 10 तरीकों पे सजदा करो। आपका पेट आपकी रान के साथ नहीं लगना चाहिए, बगल की सफ़ेदी नज़र आनी चाहिए, बाजुओं के अंदर से बकरी का बच्चा आराम से गुजर जाए, आपके बाजू ज़मीन के ऊपर बिछे हुए नहीं होने चाहिए। 7 हड्डियों पे सजदा करना है, 7 हड्डियाँ, 2 पाँव, 2 घुटने, 2 हाथ, 7वीं हड्डी ये नाक की थी। बदकिस्मती से हम ये लगाते ही नहीं हैं, हम तो ये लगाते हैं माथा, और ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि सजदा करीब करते हैं। आगे करके सजदा करो, जितना अपने आप को आगे ले जाओगे आपके कमर के वर्टीब्रेट्स खुलेंगे, आपके मोरे खुलेंगे, जितने मोरे खुलेंगे उसके अंदर जो डिस्क है वो दोबारा से हील होगी। अपने पैरों की उंगलियों को ज़मीन के साथ चिपका के रखो, पैरों की एड़ियों को मिला के रखो और ज़मीन की सख्ती महसूस करो, और तुम में से कोई भी आंखें बंद करके सजदा ना करे। मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा 5 से 10 मिनट के दरमियान सजदा करो, 5 से 10 मिनट के दरमियान सजदा करो। ये जितने लोग कहते हैं कमर की दर्द ठीक नहीं होती, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ एक दिन 10 मिनट का सजदा करो, आप खुद कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग बेल्ट पहन लेते हैं, जो लोग नमाज में सजदा नहीं कर सकते वो अपने बेड पे उल्टा लेट जाएं, अपनी टांगों को समेट लें, अपनी हिप को ऊपर उठा लें, अपने हाथों को आगे करके ले जाएं और सजदा करें, यकीन जाने आप खुद बताएंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है।